नमस्कार, मैं गुनगुन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी नगर निकाय चुनाव में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न, मतगणना 13 को। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान हुआ। इनमें 7 नगर निगमों बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, अलीगढ़, कानपुर और अयोध्या के महापौर। इन नगर निगमों के 590 वार्डों के पार्षद पदों के लिए मतदान शामिल है। इसके अलावा 95 नगर पालिकाओं और 267 नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सभासद पदों के लिए वोट डाले गए। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। निकाय चुनाव की मतगणना 13 मई को होगी। इससे पहले रबुपुरा नगर पंचायत में बीजेपी उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो गया और साथ ही भाजपा के सभी वार्ड सदस्य भी निर्विरोध चुन लिए गए थे। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन में होंगे 6 एसी कोच, हर पास से 10 मिनट पर मिलेगी ट्रेन। देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में 6 एयर कंडीशन कोच होंगे और यात्रियों के लिए 450 सीटें रहेंगी। इनमें से एक प्रीमियम कोच होगा और दूसरा महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। रैपिड ट्रेन के स्टेशन ऐसे बनाए जा रहे हैं जहाँ 9 कोच वाली ट्रेन ठहर सके। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर 5 से 10 मिनट के अंतराल पर ट्रेन मिल सकेंगी। ये पूरा कॉरिडोर आम लोगों के लिए 2025 तक खुलने की संभावना है। हालांकि साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन जल्दी शुरू करने की तैयारी है। इस रूट पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलेंगी और एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रैपिड रेल NCR का सबसे तेज, आरामदायक और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट का माध्यम बनेगी। तिहाड़ जेल में तैनात होगी AK-47 से लेस QRT, शूट एट साइट के भी होंगे अधिकार। तिहाड़ जेल में बीती 2 मई को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद जेलों में पहली बार क्विक रिस्पांस टीम तैनात करने का निर्णय लिया गया है। इसमें TSP, CRPF, ITBP और जेल के जवान शामिल होंगे। इन जवानों को ग्लोक पिस्टल और AK-47 राइफल से लैस किया जाएगा। इन्हें जेल में शूट एट साइट का अधिकार भी होगा। तिहाड़ जेल के DG संजय बेनीवाल के अनुसार जेल में QRT तैनात करने के आदेश दे दिए गए हैं। तिहाड़ में 9 जेल हैं और यहां हर जेल में 2-2 QRT तैनात की जाएंगी। एक QRT में 6 से 8 जवान शामिल होंगे। QRT को अधिकार होगा कि हमले की स्थिति में पहले आरोपी कैदियों को पीछे हटने के लिए कहा जाएगा और पीछे नहीं हटने पर QRT हवा में 3 फायर करेगी। इसके बाद भी अगर पीछे नहीं हटते तो पैरों में गोली मारी जाएगी। फिर भी नहीं मानने पर QRT के पास शूट एट साइट के अधिकार भी होंगे। अमेरिका के बजाय चीन के करीब आ रहा सऊदी अरब, गाइडेड मिसाइल विध्वंसक खरीदने की तैयारी। सऊदी अरब अब चीन से 12 टाइप 052D गाइडेड मिसाइल विध्वंस खरीदने की योजना बना रहा है। पिछले महीने अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में चीन ने इस युद्धपोत का प्रदर्शन किया था। दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब की सेना चीन से इस प्रकार के 12 युद्धपोत खरीद सकती है। यह सौदा 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो सकता है। वहीं अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा कि वह इस मामले में नजर बनाए हुए है। अगर सऊदी अरब इतने बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है तो यह चीन के हथियारों की बिक्री में नया रिकॉर्ड होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब का सैन्य व्यय लगभग 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो पहले से ही सकल घरेलू उत्पाद का 6.6% है। ऐसे में सऊदी अरब के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाना मुश्किल है। पाकिस्तान के स्वात में तालिबान ने फिर जमाया कब्जा, शुरू हो सकते हैं आतंकी कैंप। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की स्वात घाटी पर तालिबान ने फिर कब्जा जमा लिया है। पाकिस्तान मिलिट्री मॉनिटर के अनुसार अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बहुत तेजी से स्वात में कब्जा जमाया है। ये आतंकी संगठन बहुत जल्द स्वात घाटी में टेरर कैंप बना सकते हैं। पाकिस्तान की स्वात घाटी को स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान भी कहा जाता है।
इससे पहले तालिबान ने स्वात और आसपास के जिलों में 640 स्कूल नष्ट कर दिए थे। एक दशक पहले हजारों स्वात निवासी विस्थापित हुए थे जिन्हें सरकार का समर्थन नहीं था। हुंडई एक्स्ट्रा की बुकिंग शुरू, E20 पेट्रोल पर भी दौड़ेंगी ये माइक्रो SUV। हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी एंट्री लेवल SUV एक्स्टर की बुकिंग शुरू कर दी है। इस मिनी SUV को 11,000 रुपए देकर बुक किया जा सकता है। कंपनी के अनुसार एक्स्टर 6 सिंगल टोन और 3 डुअल टोन कलर ऑप्शन के साथ आएगी। इसमें 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलेगा जिसे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और स्मार्ट ऑटो AMT गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। ये कार E20 पेट्रोल से भी चलेगी। कंपनी इस कार को अगस्त तक लॉन्च कर सकती है। ये कार माइक्रो SUV सेगमेंट में टाटा पंच, सिट्रा एन, C3 और मारुति एग्निस को टक्कर देगी। हुंडई की एक्स्टर को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। कंपनी का कहना है कि नई SUV ग्राहकों को स्मार्ट मोबिलिटी का एक्सपीरियंस देगी। विवाह बंधन में बनेंगे सनी देओल के बेटे करण, मुंबई में दृशाचार्य संग लेंगे 7 फेरे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बॉलीवुड स्टार सनी देओल के बेटे करण देओल जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। करण देओल अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड दृशा आचार्य के साथ अगले महीने मुंबई में 7 फेरे लेंगे। बॉम्बे टाइम्स के अनुसार करण देओल और दृशा 16 जून से 18 जून के बीच मुंबई में शादी रचाएंगे। करण और दृशा की सगाई बीती 18 फरवरी को हुई थी। दृशा फिल्मों में काम नहीं करती हैं, लेकिन बताया जाता है कि वह भी फिल्म इंडस्ट्री के परिवार का हिस्सा है। दृशा प्रसिद्ध फिल्म मेकर बिमल रॉय की पर नातिन है और सुमित आचार्य की बेटी है। दृशा रॉय ट्रेवल इंडस्ट्री में काम करती हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।